स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इन राज्यों में जुलाई में खुलेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संबंधित हर न्यूज पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य के स्कूल कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। साथ दोस्तों आपकी क्या राय, स्कूल और कॉलेज और कोचिंग खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि लगातार दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तो स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आ चुका है। कई राज्य सरकार ने दोस्तों ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जुलाई में आपके स्कूल और कॉलेज है वो खुलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हरियाणा सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि आपका 27 जुलाई से स्कूल और कॉलेज है, साथ ही आपकी कोचिंग है वो खोल दी जाएगी। इसमें आपके नए नियम है और सरकार के द्वारा लागू किए जाएंगे दोस्तों। नए नियम आपके जल्द ही सरकार जारी करने वाली। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने भी दोस्तों ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जुलाई में आपके स्कूल और कॉलेज खुलने वाले हैं। तो दोस्तों इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कई राज्यों में जहां आपका कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, वहां स्कूल कॉलेज और कोचिंग आपके जल्द ही खुलने वाली है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहां कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, वहां आपके स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। बाकी जहां आपका ग्रीन जोन है, वहाँ स्कूल और कॉलेज धीरे धीरे आपके खुलने वाले हैं, स्पेशली उन राज्यों में खुलने वाले हैं जहाँ पिछले कुछ दिनों से यानी एक महीने से कोरोना के ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, जहाँ कोरोना अंडर कंट्रोल है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अभी स्कूल और कॉलेज आपके नहीं खोले जाएंगे। स्पेशली जो आपके रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उनमें आपके स्कूल और कॉलेज है वो जल्द ही इसी महीने में जुलाई में खुलने वाले हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन भी आपकी तैयार कर ली है। इसी मैंने आपके गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। सभी स्कूल और कॉलेज को सैनिटाइज लगातार किया जा रहा है, साथ ही जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्कूल और कॉलेज में होनी चाहिए उसको लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। स्कूल में ये चीज़ें सारी लगाई जा रही हैं। साथ ही अभी ये कहना है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में आपके सभी बच्चों को स्कूल और कॉलेज में बुलाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, साथ ही सैनिटाइजेशन लगातार स्कूल और कॉलेजों को किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर। बाकी राज्यों की न्यूज दोस्तों हम लगातार आपको देते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद।